उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाए जाने की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मुख्य सचिव SS संधु ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर तीर्थयात्रियों से सामान की तय से अधिक कीमत वसूली जाती है तो ऐसा करने वालों को गिरफ्तार करें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का कहना है कि चार धाम यात्रा के रास्ते में अगर खाने पीने की चीजों और अन्य सामानों की अधिक कीमत वसूली गई तो इसमें शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चार धाम यात्रा में इस साल पिछले दो सालों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई है। इसे देखते हुए स्थानीय दुकानदारों से लेकर धर्मशालाओं और होटलों द्वारा उनका फायदा उठाया जा रहा है। उनसे हर चीज का दाम बढ़ाकर बेचा जा रहा है। जो श्रद्धालु सरकार की कुव्यवस्था से परेशान है उनके लिए आसमान छूती कीमतें किसी मुसीबत से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि उनसे 500 रुपए के कमरे के लिए अभी 5 से 10 हजार रुपए वसूले जाए। वहीं चारों धाम में दुकानदार खाने पीने की चीजों के लिए भी मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए श्रद्धालुओं से 100 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।